दोस्तों नमस्कार। देखिए, सामान्य अध्ययन का अगला प्रश्न पत्र है यह। आइए इसको सॉल्व करते हैं। धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। चार कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है धन विधेयक के संदर्भ में? पहला, वह राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इस सवाल पर कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तीसरा है, धन विधेयक को लेकर हुए गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और चौथा है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके सिफारिश के बिना नहीं रखा जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि ये धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है इसमें अंतिम और सर्वमान्य होता है, वही इस पर मुहर लगा देता है कि यह धन विधेयक है तो धन विधेयक हो जाता है। और उसके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। इसमें दोस्तों राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा की जो शक्तियां हैं धन विधेयक के संदर्भ में बहुत ही सीमित हैं, न के बराबर है, नगण्य है लगभग, ठीक है ना। और लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। जो दिया है इसमें कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही इसको पुनः स्थापित किया जा सकता है, और वो भी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। इसको केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा इसको अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है संशोधन का। और लोकसभा इसके सिफारिश को मानने हेतु बाध्य नहीं होता है। और यदि मान भी लेता है इसकी सिफारिश को तो यह पारित समझा जाता है संयुक्त रूप से। नहीं मानता है तो भी पारित समझा जाता है मूल रूप से, ठीक है ना। तो एक प्रकार से राज्यसभा की इसमें धन विधेयक के संदर्भ में नगण्य भूमिका रहती है। केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। 14 दिन, अगर 14 दिन से अधिक हो गया तो वह विधेयक पारित समझा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और इसके बारे में, धन विधेयक के बारे में, कि यह केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि यह सरकारी विधेयक होता है। इस सवाल पर कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, यह कथन सत्य है। धन विधेयक को लेकर हुए गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, यह गलत है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन असत्य है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दो ऐसे विधेयक हैं जिनके संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो सी ही इसका असत्य है। सी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ए, प्रत्येक स्थिति में, बी, मतों के बराबर होने पर, सी, इच्छा अनुसार, या डी, कभी भी नहीं। तो दोस्तों यह तो उत्तर इसका आसान है, मतों के बराबर होने की दिशा में इसकी शक्ति, ये जो है अपना मत देगा और इसका निर्णय, इसका मत जो है निर्णायक होता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। जिसके पक्ष में देगा उसी की जीत होगी। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या है? कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या, ये देखिए आईएएस का प्रश्न है, आईएएस में पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, दिबांग, कमेंग, लोहित, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या फिर तीनों। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकली है, मानसरोवर झील से। 2900 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। यह भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह बांग्लादेश में जाती है, जहां पे असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और तिब्बत में दोस्तों इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। असम का जो सदिया शहर है, सदिया शहर, वहां पर
दो नदियां, दो पर्वतीय नदियों से यह मिलता है, किससे? दिबांग और लोहित से। तो दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा याद रखिएगा नाम, कमेंग, धनश्री, सुवर्णश्री। धनश्री, सुवर्णश्री, कमेंग, मानस तीस्ता, रैडक बैराक और कोलोंग, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, तो तीनों ही इसका सही है, तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मौर्यकालीन निम्नलिखित स्तंभों में से कौन सिंह शीर्ष स्तंभ है, मतलब अर्थात जिसके शीर्ष पर सिंह है, ऐसा कौन कौन सा स्तंभ है निम्न में से? तो बसाड़, संकिसा, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, सांची और सारनाथ, इनमें से कौन कौन से में शीर्ष पर सिंह है? 1, 3, 4, 6, 1, 4, 5, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 1, 4, 5, 6 अर्थात संकिसा और रामपुरवा को छोड़कर बसाड़, लौरिया, नंदनगढ़, सांची और सारनाथ, 1, 4, 5, 6, इन चारों में शीर्ष में सिंह है, ठीक है? तो इसका बी उत्तर होगा। उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, यह आपको बताना है पश्चिम से उत्तर, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कौन सा सही क्रम होगा। डी इसका उत्तर है दोस्तों, ठीक है ना? अन्नामलाई सबसे उत्तर में है, फिर पालनी पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ी, जिसको कार्डमम की भी पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है? डी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में किन सामाजिक समूहों वर्गों ने भाग नहीं लिया था? असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, और जनवरी 1921 से यह प्रारंभ होता है गांधी जी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में पहली बार दोस्तों समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लिया था, जिनमें किसान, मजदूर, शिक्षक और छात्र, महिला तथा व्यापारी वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जबकि उद्योगपति, पूंजीपति व जमींदार जो वर्ग थे, इन्होंने इससे दूरी बनाई रखी थी। तो जमींदार और बड़े पूंजीपति छोड़ के बाकी तीनों इसमें, अर्थात पहला भी, चौथा भी, पांचवा, 1, 4, 5 इसमें भाग लिए थे, और 2 और 3 इसमें भाग नहीं लिए थे। तो पूछा है किसने भाग नहीं लिया था, तो 2 और 3 ने, अर्थात ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पौधों में श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं? श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तापक्रम। तो दोस्तों ये सभी श्वसन क्रिया को पौधों में प्रभावित करते हैं। पौधे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं दिन, जो सूर्य के प्रकाश में दिन में अर्थात, और रात में ये श्वसन क्रिया जब करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। तो इस तरह प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और तापक्रम, चारों की आवश्यकता या चारों को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है ना? तो चारों पौधों की श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। अशोक का समकालीन तुरुमय कहाँ का राजा था? तुरुमय किसका समकालीन था? अशोक का था। कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का या फिर सीरिया का? तो यह मिस्र का राजा था दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, संशोधन नियम, और 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों सी इसका उत्तर है, 1786 का जो संशोधन अधिनियम था, संशोधित किया गया था, उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अच्छा, निम्न में से कौन से सत्य है या है आपको बताना है? पहला है पृथ्वी की निचली कक्षा लो
अर्थ ऑर्बिट जिसको कहते हैं का उपयोग सुदूर संवेदन हेतु होता है। दूसरा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट या भू स्थैतिक कक्षा का उपयोग नेविगेशन हेतु होता है। तीसरा है पृथ्वी की मीडियम अर्थ ऑर्बिट का उपयोग संचार सेवाओं में किया जाता है। तो एक व दो, एक व तीन, तीनों सही या फिर कोई नहीं सही है इसमें से। दोस्तों याद रखिएगा, एक कोड यहां से बन जाता है सुदूर संवेदन, यहां से आप पता कर लीजिए सुदूर संवेदन जहां है वहां इसका मतलब है बहुत दूर होगा, सबसे दूर होगा, ठीक है ना। तो सुदूर संवेदन जो होता है वो जो सबसे हायर अर्थ ऑर्बिट होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, HEO होता है, वहां पर इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर या 35,980 किलोमीटर के आसपास होती है पृथ्वी की भूमि के धरातल, पृथ्वी के धरातल से। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट में भूस्थैतिक कक्षा का उपयोग नेविगेशन हेतु होता है, यह भी गलत है। जो नेविगेशन होता है जैसे GPS प्रणाली हमारी, इसका उपयोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में इसका उपयोग होता है। तो दूसरा भी गलत है। और पृथ्वी की मीडियम अर्थ ऑर्बिट का उपयोग संचार सेवाओं के लिए होता है, यह भी गलत है दोस्तों। संचार सेवाओं के लिए सबसे लोअर ऑर्बिट का प्रयोग किया जाता है, सबसे लोअर ऑर्बिट का, क्योंकि बहुत तेजी से सूचना प्रदान करनी होती है तो लोअर ऑर्बिट का उसके लिए प्रयोग किया जाता है, LEO का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ही गलत हैं, लेकिन तीनों ही आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा D, कोई नहीं, तीनों ही गलत हैं इसमें, तीनों ही असत्य हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।